24 में तो हम 400 पार। अच्छा 24 में 400 पार। 400 पार विपक्षी एकदम साफ, जैसे वो लोग दूरी बना ली है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो हिंदू ने मन बना लिया है कि साकील हाथी पंजा पे हम बटन नहीं दबाएंगे। मंदिर बनाया तुमने प्रभु श्री राम का, आज भी है और कल भी रहेगा। 1992 में हम कार सेवा करने के लिए आए और बाबर की खोपड़ी तोड़ी गई, और जिसको लोग बाबरी कहते थे, हम उस खोपड़ी का ईंटा भी लेकर गए थे अपने यहाँ बहराइच में, और 15-3 दिन तक यहाँ रहे, कर्फ्यू लग गया था। और सपा वाले कुत्ता पालते हैं, यहाँ थे तो वो ठीक थे, लेकिन वहाँ गए तो उनके अखिलेश यादव के कुत्ता हो गए। वो भूखते हैं और उनकी बेटी राम भक्त है वो भारत। आज जो राम मंदिर बन रहा है तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमने कुर्बानी दिया, हमने सरकार कुर्बान की है। अयोध्या जो है पूरे विश्व की राजधानी बन रही है, हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की। अमेरिका में जो है शोभा यात्रा निकली है अमेरिका में, अब युग पुरुष है हमारे योगी मोदी, युग पुरुष है, इनको भगवान ने पहले भेजा है कि जा करके मंदिर का निर्माण कराइए, उसके बाद हम आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और अभी देखिए अयोध्या के लता मंगेशकर चौक के सामने खड़े हैं, और राम जी का 22 जनवरी को यहाँ पे राम लला स्थापित होंगे। और देखिए उसी जो 2024 की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, और विपक्ष वाले ये भी आरोप लगा रहे हैं ये भाजपा का इवेंट बन के रह गया है, और कुछ और भी सवाल हैं। इन सब सवालों को लेकर हम आप सबके सामने हैं, तो बातचीत करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नाम है आपका? रामविलास लोधी। अच्छा लोधी जी, ये बताइए, विपक्ष वालों का आरोप है, बहुत सारे लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की लोगों की बात करें, नेताओं की, या फिर केंद्र की बात करें, कि ये भाजपा का सिर्फ इवेंट बनकर आ गया, क्या कहिए? ये वो बेबुनियाद उनका आरोप है, इसमें कोई जो है तत्व नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा रही नहीं गया है, और पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। आज से नहीं, हम 1989 में कार सेवा करने के लिए आ रहे थे, लेकिन दमनकारी सरकार, मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने हमको आने नहीं दिया। 1992 में हम कार सेवा करने के लिए आए और बाबर की खोपड़ी तोड़ी गई, और जिसको लोग बाबरी कहते थे, हम उस खोपड़ी का ईंटा भी लेकर गए थे अपने यहाँ बहराइच में, और 15-3 दिन तक यहाँ रहे, कर्फ्यू लग गया था। और मेरे मन में ये तमन्ना थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और हमारे नहीं लाखों अरबों करोड़ों राम भक्तों के मन में यही थी तमन्ना, उनका अरमान था कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, और मंदिर बन रहा है, करोड़ों भक्त खुश हैं, और इसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जो अखिलेश जी के मतलब करीबी हैं और सपा पार्टी में हैं, और पहले मुलायम सिंह की आपने बात कही, जब भाजपा से वो सपा में गए हैं तो उनके सुर बदल गए हैं, और राम को कई आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, और कई सारे हिंदू धर्म में भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए उनकी मानसिकता बदल गई है, उनकी मानसिकता गंदी है, सपा वाले कुत्ता पालते हैं, यहाँ थे तो वो ठीक थे, लेकिन वहाँ गए तो उनके अखिलेश यादव के कुत्ता हो गए। वो भूखते हैं और उनकी बेटी राम भक्त है, वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। अच्छा ये बताइए, तो वही जो आप कुत्ता पालते हैं बोल रहे हैं, उनको तो मतलब उत्तर प्रदेश के लोग तो सर आंखों में पहले बैठा के रखते थे, आज क्या हो गया कि आप लोग? देखिए आदमी का जब विचार बदल जाता है तो लोग बदल जाते हैं, जैसा कहो ज्ञान भाई, जैसे आप बोलोगे, जैसे लोगों के साथ व्यवहार करोगे। देखिए मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को भोजन, जब कोरोना आया कोई विपक्ष लोग कहते थे कि कैसे चलाएंगे, सबको भोजन फ्री दिया, सबको वैक्सीन लगवाई मोदी सरकार ने, और सबका जो है कम से कम 10-15 करोड़ शौचालय बनवाया, कम से कम 20-25 करोड़ उन्होंने मकान बनवाया,
उसके बाद भगवान राम मंदिर का जो अदालत का फैसला आया, सारे राम भक्त खुश हो गए। अदालत के दिशा निर्देश का हमारी सरकार पालन कर रही है। मगर चलिए मैं सारी बातें आपकी मान लेता हूँ, मगर जो विपक्ष वाले हैं ये भी कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं और आचार संहिता भी लगने वाली है और इसका कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में बेनिफिट मिल सके, इसलिए जल्दबाजी में और कामें भी अधूरी लगभग कह रहे हैं कि अधूरी है, इस वजह से जल्दबाजी में कि 24 में इसका लाभ भी मिल सके उद्घाटन हो रहा है, क्या कहिएगा? देखिए जब 1992 में 18 महीने की सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी तब राम भक्तों को दबाव था, कार सेवक आए यहाँ कार सेवा करने के लिए, कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलवाई, हम लोग कार सेवा किए और सरकार चार राज्य में बर्खास्त हो गई। आज जो राम मंदिर बन रहा है तो इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को मिला क्या ही मिलेगा, क्योंकि हमने कुर्बानी दिया, हमने सरकार कुर्बान की है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो राम को लाए हैं उनको तो कहीं ना कहीं सरकार की वजह से आए तो उनको तो फायदा होना चाहिए। देखिए खुश है महादेव, खुश महाकाल है, खुश है नगेश्वर नाथ, खुश प्रभु राम है। मंदिर बनाया तुमने प्रभु श्री राम का, आज भी है और कल भी रहेगा। नौ साल पहले जो मिला चौकीदार था, योगी और मोदी जी को मिला सबका प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा चलिए, यूपी को जोगी बाबा जी ने है जन्नत बना दिया, यूपी को जोगी बाबा जी ने जन्नत बना दिया, अरे काशी सुधा काशी सजा दिया है, अयोध्या भी सजा दिया, काशी सजा दिया है अयोध्या भी सजा दिया, अरे करके विशा विकासी योगी मोदी जी ने अयोध्या को स्वर्ग बना दिया, यूपी को जोगी बाबा जी ने है जन्नत बना दिया। इसमें सबका साथ है, सबका विकास है, सबका विश्वास है, कोई के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, शौचालय बनता है तो सबका बनता है, आवास बनता है तो सबका बनता है, राशन मिलता है फ्री तो सबको मिलता है। एक बात आपने छोड़ दिया कि 24 का भी साथ है। देखिए 24 में तो हम 400 पार। अच्छा 24 में 400 पार। 400 पार विपक्ष एकदम साफ, जैसे वो लोग दूरी बनाए लीन है कि हम राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो हिंदू ने मन बना लिया है कि साकील हाथी पंजा पे हम बटन नहीं दबाएंगे, बटन नहीं दबाएंगे, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। शंकराचार्य के बारे में क्या कहिए, क्योंकि वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, उनका भी कई तरह का आर जो आ रहे हैं और कुछ लोग जो नहीं आ रहे हैं उन्होंने चिट्ठी लिख करके भेज दिया है कि हम कोई विरोध में नहीं है। अच्छा वो आएंगे, उनको मनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए भीड़ भाड़ में बहुत लोग ना आवत है, वो भगवान से का भगवान के भजन वो नहीं करते हैं, शंकराचार्य जी भी भगवान ही का भजन करते हैं और शंकराचार्य हमारे पूज्य हैं, सनातन धर्म के स्तंभ हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। अच्छा अयोध्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत और पूरे विश्व के लोग हैं जो ये राम की धरती से सुन रहे हैं, तो उनका क्या कहिएगा, उन तक क्या संदेश पहुँचाइए, क्योंकि ये एक इतिहास दर्ज हो रहा है और इतिहास के भागी हम लोग बन रहे हैं। अयोध्या जो है पूरे विश्व की राजधानी बन रही है, हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की, अमरीका में जो है शोभा यात्रा निकली है अमरीका में, आप बताइए
जत्ते पूरे विश्व में शोभा यात्रा निकल रही, तो अयोध्या हिंदुस्तान की राजधानी नहीं, पूरे विश्व की राजधानी है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम विश्व के नायक हैं, विश्व के राजा हैं, खाली हिंदुस्तान के राजा नहीं है। जो सतयुग अब यहीं से स्थापित होगा, देखिए यही तो सतयुग है। कहते हैं नरक सो कौन घोर जिद देही और तृष्णा त्यागो स्वर्ग बस यही। भाई जनता भूखो न रहे, सबका सबको भोजन मिले, सबको आवास मिले, सबको सब कुछ मिले, बस सतयुग आ गया। अब बताओ हम जो है 89 के पहले आयत रहे तो लागत रहा अयोध्या कलयुग है, अब यही अयोध्या लागत है सतयुग है। तो युग परिवर्तन ऐसा होता है जब युग पुरुष होते हैं। अब युग पुरुष है, हमारे योगी मोदी युग पुरुष है, इनको भगवान ने पहले भेजा है कि जा करके मंदिर का निर्माण कराइए, उसके बाद हम आएंगे। जय श्री राम। हमारे राम भक्त कल्याण सिंह का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हम कार सेवा करने के लिए आए थे, एक भी पत्ता नहीं हिला था, कोई कार सेवकों के पर कहीं गोली नहीं चली और सबके लिए बढ़िया नाश्ता पानी भोजन और हम लोग कार सेवा करते थे धूमधाम से। ये था राम भक्त कल्याण सिंह, अमर रहे। चलिए हमारी अभी रिपोर्टिंग देख रहे थे आप अयोध्या से, और हमने बातचीत किया राम भक्तों से, और ये लता मंगेशकर चौक है, और इस वीडियो को यहीं अंत करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।